कौन से उपाय करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त करके राहु केतु के साथ शनि और मंगल के कुप्रभावों से बचा जा सकता है। इस अंक को प्रारंभ करने से पूर्व आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज्योतिष जगत से जुड़े अन्य वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, ज्योतिषीय गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 1,85,58,112 वर्ष पूर्व चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न में सुबह 6:03 पर आज के झारखंड राज्य के गुमला जिले के आंजन नाम के छोटी सी पहाड़ी की एक गुफा में हुआ था। हनुमान जी के पिता वानरराज केसरी और माता अंजना थे। दोस्तों, पवन पुत्र हनुमान जी को भगवान शिव के रुद्र रूप के 11वें अवतार के रूप में माना जाता है तथा भगवान श्री राम जी के अनन्य भक्त के रूप में हनुमान जी की पूजा और आराधना की जाती है। रामायण काल के सभी पात्रों में हनुमान जी का विशेष स्थान है तथा सबसे अधिक बलवान वो बुद्धिमान राम भक्त के रूप में हनुमान जी प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, माता जानकी के आशीर्वाद के स्वरूप हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नव निधि के प्रदाता भी हैं तथा माता जानकी के आशीर्वाद के कारण ही इस पृथ्वी पर जिन 7 मनुष्यों को अमरत्व प्राप्त है उनमें से एक हनुमान जी भी हैं। दोस्तों, हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में श्री राम जी के कार्यों को पूर्ण करने के लिए हुआ था तथा भगवान श्री राम के बाद श्री राम जी के भक्तों के कष्टों को त्रेता युग से आज तक कलयुग तक भी दूर करते आ रहे हैं। यदि हृदय से हनुमान जी का स्मरण किया जाए और सही तरीके से उनकी आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने में तनिक भी देर नहीं लगाते। जहाँ जहाँ श्री राम जी का स्मरण होता है या रामायण या रामचरित मानस का पाठ होता है वहां वहां हनुमान जी सूक्ष्म रूप में अवश्य उपस्थित होते हैं। दोस्तों, हनुमान जी के पराक्रम की कई कथाएं प्रसिद्ध है जिनका वर्णन रामायण, महाभारत, रामचरित मानस आदि महाग्रंथों में मिलता है। दोस्तों, यहाँ यह बात स्पष्ट है कि किसी भी देवी देवता की पूजा आराधना तब तक निष्फल माननी चाहिए जब तक उनमें बनावटी श्रद्धा और अतार्किक विश्वास का समावेश होता है। सबकी देखा देखी हम भी मात्र पूजा आराधना का स्वांग करें और अन्य आडंबर करें तो इससे किसी भी प्रकार के फल की प्राप्ति नहीं होती। हर कार्य को करने का एक तरीका होता है तथा एक निश्चित समय होता है। पूजा आराधना के लिए भी ऋषि मुनियों द्वारा नियम बनाए गए हैं। उन्हीं नियमों का पालन करते हुए अपने हृदय द्वारा देव आराधना की जाए तो अवश्य फलीभूत होती है तथा भक्ति के समक्ष शक्ति को झुकना ही पड़ता है और हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान प्राप्त है। सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना की जाए तो हनुमान जी सूक्ष्म रूप में अपने भक्त को वरदान देने में देर नहीं लगाते। दोस्तों, अब बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र की। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो हनुमान जी से मंगल ग्रह का संबंध जुड़ा हुआ माना जाता है। हनुमान जी का प्रिय वार मंगलवार ही है तथा प्रिय रंग लाल या सिंदूरी माना जाता है। अतः किसी भी मंगलवार या हनुमान जयंती पर हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को चमेली के तेल के साथ सिंदूर और चोला चढ़ाकर और हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है। इसके अतिरिक्त हनुमान जी को लड्डू या अन्य मिठाइयाँ भी प्रिय है, अतः अपने सामर्थ्य के अनुसार हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को विशेषतः मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाने से हनुमान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है तथा कुंडली में मंगल ग्रह अपने अशुभ परिणाम त्याग कर शुभ परिणाम प्रदान करने लग जाता है। इसके अलावा इस दिन चने चिरौंजी का प्रसाद चढ़ाना भी शुभ माना गया है तथा वानरों को चने खिलाना भी श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। इन उपायों से जमीन, जायदाद, मकान, वाहन आदि से संबंधित सभी परेशानियां दूर होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हनुमान जी की और शनि देव की।
हनुमान जयंती के दिन या शनिवार को हनुमान मंदिर में सूर्यास्त के बाद तेल का दीपक जलाने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चूंकि हनुमान जी ने शनिदेव को रावण के पास से मुक्त करवाया था, इसीलिए हनुमान जी और शनिदेव में मित्रता मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी के भक्त को शनिदेव की साढ़े साथी और ढैया में नगण्य के बराबर कष्ट प्राप्त होते हैं। अतः हनुमान जयंती पर सूर्यास्त के बाद हनुमान मंदिर में तेल का दीपक लगाने से, खास तौर से चौमुखी बाती वाला दीपक लगाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं तथा हनुमान भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। इसके साथ ही तेल के दीपक लगाने से ऋण, रोग, शत्रुओं आदि पर भी विजय प्राप्त होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं राहु की। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से राहु को शनि की छाया ही माना जाता है, अर्थात कुंडली में राहु का फल शनिदेव के अनुसार देखा जाता है। यदि कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो राहु भी अच्छे फल प्रदान करता है, और यदि कुंडली में शनिदेव त्रिक भाव में या गलत भाव में विराजित हैं तब राहु का फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। कुल मिलाकर शनिदेव के अधीनस्थ के रूप में राहु के प्रभाव का आकलन किया जाता है। अब यदि हनुमान जी की आराधना से शनिदेव अपने कष्ट कम करते हैं तो राहु भी अपने कष्ट कम करेगा। हनुमान जयंती पर राहु के प्रभाव को नगण्य करने के लिए और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए राहु के प्रतीक जूट वाले एक नारियल पर सिंदूर और तेल के मिश्रण से एक स्वास्तिक बनाकर अच्छे मुहूर्त में हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी को पूरा नारियल भेंट करें तथा हनुमान जी से कष्ट मुक्ति हेतु प्रार्थना करें। सिर्फ इस छोटे से प्रयोग से राहु के बुरे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं तथा हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। राहु के बुरे प्रभाव जैसे शराब, जुए आदि की लत इस उपाय से दूर होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं केतु की। ज्योतिष शास्त्र में केतु को मंगल की छाया माना जाता है, अर्थात कुंडली में मंगल के अनुसार केतु अपना प्रभाव प्रदान करता है। यदि कुंडली में मंगल अच्छा है तो केतु भी अच्छे परिणाम प्रदान करता है तथा मंगल के बुरे होने की स्थिति में केतु बुरे परिणाम ही प्रदान करता है। कुल मिलाकर मंगल के अधीनस्थ के रूप में केतु के प्रभाव का आकलन किया जाता है। यूं तो हनुमान जी की आराधना से मंगल ग्रह के अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन केतु के अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी भी मंदिर, विशेषतः हनुमान मंदिर में भगवा पताका या भगवा ध्वज लगाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ध्वज को केतु का प्रतीक माना जाता है, अर्थात जिस प्रकार ध्वज चारों दिशाओं में विजय का प्रतीक है, उसी प्रकार केतु भी मनुष्य को सभी दिशाओं में सफल कराता है। अतः केतु को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में, विशेषतः हनुमान मंदिर में या शिव या विष्णु मंदिर में भगवा ध्वज अवश्य लगाएं या वहां के पुजारियों को दे आए। दोस्तों, इस दिन अपने घर की छत पर भी भगवा ध्वज या पताका लगाने से केतु को प्रसन्न किया जा सकता है। इसीलिए हिंदू ग्रंथों में मंदिरों में या घरों की छत पर ध्वज लगाने को शुभ प्रतीक के रूप में देखा जाता है। अतः दोस्तों, हनुमान जयंती पर किसी मंदिर या अपने घर की छत पर भगवा ध्वज अवश्य लगाए, इससे केतु के बुरे प्रभाव अवश्य दूर होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इन चार उपायों से हनुमान जी अवश्य प्रसन्न होते हैं। हनुमान जयंती पर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से मंगल ग्रह, सूर्यास्त के बाद तेल का दीपक लगाने से शनिदेव, सिंदूर से स्वास्तिक बनाकर नारियल भेंट करने से राहु तथा मंदिर या घर पर ध्वज लगाने से केतु प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, यह सभी उपाय सच्ची श्रद्धा से और पूरे विश्वास से किए जाए तो अवश्य फलीभूत होते हैं। यह सभी उपाय हनुमान जयंती पर करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, लेकिन यदि किसी कारण से आप यह उपाय हनुमान जयंती पर नहीं कर पाए तो किसी भी मंगलवार को या शनिवार को कर सकते हैं। यदि संभव हो तो हनुमान जयंती पर भोजन और फलों का दान अवश्य करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों की सहायता करें। संभव हो तो हनुमान जयंती पर अपने घर पर सुंदर कांड का पाठ अवश्य कराएं, या जहां सुंदर कांड का पाठ हो रहा है वहां अवश्य जाएं।
सुंदरकांड का पाठ करने वालों पर हनुमान जी की विशेष कृपा रहती है। तो दोस्तों, यह थी हनुमान जयंती पर करने वाले उपायों की बातें। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, अतः अच्छे समय में अभिमान न करें तथा बुरे समय में निराश न हो। सदैव प्रसन्न रहें एवं ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना तथा सोशल मीडिया पर शेयर करना न भूलें। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित यदि आपका कोई सा प्रश्न हो तो हमें कमेंट अवश्य करें। आगामी अंक में आपको ज्योतिष से संबंधित अन्य जानकारियां भी दी जाएगी। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।